सामुदायिक निगम भिलाई द्वारा 6 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण करने पूरे निगम क्षेत्र में पौधों का रोपण किया गया। साथ ही वन होम वन ट्री के तहत पौधों का वितरण भी किया गया, जिससे पूरे शहर को ऑक्सीजन जोन में तब्दील किया जा सके। लगातार बिगड़ते हुए पर्यावरण चक्र को सुव्यवस्थित करने और वातावरण को स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वन होम वन ट्री अभियान के तहत पूरे शहर भर में वृक्षारोपण किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की देखरेख में कुरुद बाईपास रोड के दोनों तरफ वृक्षों का रोपण किया गया। यह सभी वृक्ष 5 से 6 फीट के हैं तथा ट्री गार्ड भी साथ में लगाया गया, जिससे मवेशियों द्वारा इसे नुकसान न पहुंचाया जा सके और वृक्षों के यह पौधे जल्द बड़े वृक्ष का रूप लेकर राहगीरों को छाया प्रदान करे और पूरे भिलाई क्षेत्र में हरित क्रांति आ सके। इन पौधों को लगातार पानी देने के मकसद से मटके में छेद कर टपक सिंचाई व्यवस्था की जा रही है। मौके पर मौजूद नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने वृक्षारोपण की जानकारी दी। देखिए, आज वन होम वन ट्री के तहत में जो है माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है निगम भिलाई क्षेत्र में वृहद रूप से वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है और समस्त निगम क्षेत्र में जोन के माध्यम से वन होम वन ट्री के तहत में जो है पौधे का निःशुल्क वितरण भी किया गया है, ताकि लोग जो है अपने घरों के रिक्त स्थान पर पौधे रोपित कर सकें। इसी तरह क्रम में जो है नगर पालिक निगम भिलाई जो है वो रोड साइड प्लांटेशन भी आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जो है इसके सहजने के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उपाय अपनाए जा सकते हैं उसको जो है अपनाने के प्रयास किया जा रहा है। सर, आज ये किस जगह पे चल रहा है वृक्षारोपण? देखिए, कुरुद रोड है, कुरुद हाईवे रोड है और हाईवे रोड के जो समीप है किनारे है उन रोड क्षेत्र में जो है प्लांटेशन का काम अभी चल रहा है और रोड साइड प्लांटेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जो राहगीर हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उनको छाया मिल सके और जो है हरियाली ला सके हम लोग शहर में। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 6 जुलाई को 15,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूरी तत्परता के साथ पूरा किया गया और अब भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर देखने की ख्वाहिश हर शहरवासी की पूर्ण होती नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।